गुड मॉर्निंग सुप्रभात दर्शक बंधु मु सरोज आपण मानक आम चैनल को स्वागत जनावि आज हूँ सेप्टेम्बर मस 18 तारीख सोमवार आज आम आपण मैं देश विदेश ओडिशार केते गुड़िया बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मानक जानवा आवश्यक अटे दयाक वीडियो को स्किप नक शेष पर्यंत देखा अनुरोध ता सहित जदि एपर्यंत आपण मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना कि आम चैनल को नुआ कर आसी लाइक कमेंट शेयर कर सब्सक्राइबर ऑल आइकन को ऑन कर दिंतु जहाँफल आम पाखे पहुँचुवा प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमें आपण मैंने नोटिफिकेशन द्वारा पाई ताले आसतु डेरी नक आज खबर उपर नजर पकड़ा कॉलेज कैंपस रे लागिवो होर्डिंग उल्लेख रहिवो स्कीम ओ मेधावृत्ति योजना आसतु नजर पकड़ा संपूर्ण तथ्य कौन रही विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस रे लागिवो समस्त मेधावृत्ति योजनार होर्डिंग ओ ब्यानर कौनसी सरकारी योजनारु वंचित रही पारिबेनि छात्र छात्री मेधावृत्ति को नहीं कॉलेज एवं विश्वविद्यालय पई सरकारक नुआ स्कीम विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस रे लागिवो समस्त मेधावृत्ति योजनार होर्डिंग ओ ब्यानर होर्डिंग रे उच्च शिक्षा पई उपलब्ध स्कीम और मेधावृत्ति उल्लेख रहिबो राज्य सरकारक पक्षरु प्रदान विभिन्न योजना लेखा जिवो 18 सेप्टेम्बर सुधा होर्डिंग और ब्यानर लगवाक निर्देश देती उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री मध्य सचेतना उच्च शिक्षा विभाग पदक्षेप एने उच्च शिक्षा विभाग पक्ष विश्वविद्यालय और कॉलेज कर्तृपक्ष को चिठी लिखी अवगत करे मेधावृत्ति गुड़िक मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना मेरिट ग्रीन पासेज सुरक्षा मेधावृत्ति पठाणी सामंत मेरिट NRTS मेधावृत्ति प्री पोस्ट मेरिट लिस्ट मेधावृत्ति निर्माण श्रमिक कल्याण योजना कालिया मेधावृत्ति योजना आदि कॉलेज कैंपस रे होर्डिंग लगाजिवो सूचना अनुजाई छात्र छात्रों पर कॉलेज स्तर में दि जाऊ मेधावृत्ति को एवं कॉलेज कैंपस रे होर्डिंग माध्यम रे लगाजिवार व्यवस्था कराफल छात्र छात्री सचेतन हो मेधावृत्ति निवृत्त रही सरकार अनेक योजना विषय में अवज्ञ थी छात्र छात्री यही योजना विषय में जा फायदा उठाई पारे एवं आसतु नजर पकड़ा परवर्त खबर उपर विश्वकर्मा पूजा अवसर में शुभारंभ है PM विश्वकर्मा योजना 18 वर्गर कौलिक वृत्तिधारी को मिल सुविधा आसतु नजर पकड़ा संपूर्ण तथ्य कौन रही विश्वकर्मा पूजा अवसर में PM विश्वकर्मा योजनार शुभारंभ कर प्रधानमंत्री मोदी योजनारु कौलिक वृत्तिधारी को स्वतंत्र परिचय मिल शुभारंभ कार्यक्रम कौलिक वृत्तिधारी को प्रमाणपत्र प्रदान कर प्रधानमंत्री मोदी यही योजन विश्वकर्मा भाई और भौणी मानू बिना ग्यारंटी 3 लाख टंका पर्यंत ऋण प्रदान एथिसह 15,000 टंका टूल किट जोगाई दियाजिव दक्षता वृद्धि निम्ते प्रशिक्षण और दैनिक 500 टंका भत्ता प्रदान संपूर्ण होता उत्पाद पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन ब्रांडिंग और विज्ञापन परी मार्केटिंग रे सहायता मिल एही PM विश्वकर्मा योजना 18 प्रकार कारीगर और शिल्पी मानू लाभ मिल 5 वर्ष 13,000 कोटी खर्च करिवे केन्द्र सरकार विश्वकर्मा योजनार शुभारंभ अवसर में प्रधानमंत्री समस्त निर्माणकारी को विश्वकर्मा कही संबोधन करषि हो कि दरजी हो सबुठी एम भूमिका रही टेक्नोलॉजी जिते आगक गले भी एम भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे गतकाल भगवान विश्वकर्मा जयंती अवसर में देशवासी को शुभकामना जनई प्रधानमंत्री मोदी भगवान विश्वकर्मा को आशीर्वाद से PM विश्वकर्मा योजना आरंभ हो 18 कौलिक वर्ग उपर सरकार योजन फोकस करे मेसीन तैयारी नुहे हाथ तैयारी जिनस गुरुत्व अधिक यही योजन बड़ बड़ कंपानी आपण को दुआर को आसवे बोली प्रधानमंत्री मोदी कही ओडिया पुओ को सम्मानित कले प्रधानमंत्री मोदी कौन रही संपूर्ण तथ्य आसतु नजर पकड़ा ओडिया पुओ को सम्मानित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनार शुभारंभ कर प्रधानमंत्री मोदी पुरीर टाहीया कारीगर बसंत रणा को सम्मानित कर महाप्रभु विभिन्न प्रकार बेश प्रस्तुत करी बसंत नागार्जुन बेश महाप्रभु टाहीया और हाथी बेश आदि से प्रस्तुत करी गत काली बसंत रणा को नुआ दिल्ली द्वारकार जशभूमि परिसर में सम्मानित कर PM विश्वकर्मा योजना शुभारंभ होता बेले एक कार्यक्रम विभिन्न शिल्प कारीगर मान को सम्मानित कर अवसर में श्रीमंदिर सेवायत तथा महाप्रभु विभिन्न बेश प्रस्तुत करुवा बसंत महाराणा सम्मानित होती स्कूल मध्यान्ह भोजन रांधे अंगनवाड़ी दीदी
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଏଣିକି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି। ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଏଗାରଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶତପ୍ରତିଶତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଶତକଡ଼ା 60% ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 60% ଶିକ୍ଷକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗ। କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 56,000 ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିବା କହିଛି ସଂଘ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି।